हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पावर पॉइंट के कि पावर पॉइंट में आप एनिमेशन कैसे बना सकते हो और एनिमेशन भी थोड़ा सही होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा सीखेंगे कि एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट में आपको यहाँ पर पावर PNG सर्च करना है। यहाँ पर आपको पावर PNG सर्च करना है और फिर आपको यहाँ पर पावर PNG टाइप कर देना है। आपके सामने पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा और आपको ये डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड मिली है आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर आपको जाना है न्यू स्लाइड में और यहाँ से आपको ब्लैंक स्लाइड लेनी है। फिर आपको जाना है यहाँ पर डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में आपको जाना है बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड में आपको ब्लू बैकग्राउंड ले लेना है। और फिर आपको जाना है इंसर्ट में, यहाँ से आपको शेप्स ले लेने हैं, और यहाँ से आपको फ्रेम वाला जो शेप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। जितना आप चाहें इसकी लंबाई चौड़ाई जितना चाहें आप ले सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, इसे फॉर्मेट में जाना है और इसके जो शेप को फिल कर देना है, और इसको शेप की आउटलाइन कर सकते हैं आप जैसे कि ऐसे। फिर आपको जाना है इंसर्ट में, फिर आपको जाना है क्लिप आर्ट में, और आपको यहाँ पर खाली सर्च कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसी सीनरी आ जाएगी और आपको इसे इसके बराबर कर देना है। देखिए सीनरी कुछ ऐसी बन गई है। फिर आपको जाना है यहाँ पर इंसर्ट में, और फिर आपको यहाँ से शेप ले लेना है, और यहाँ पे आपको जाना है फ्रीडम वाला लेना है, और फिर आपको यहाँ से एक जीना टाइप का ड्रॉ करना है। और अगर आपकी लाइन ये टेढ़ी है तो आप बैक स्पेस से सीधा कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ सीधा कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी अगर लाइन टेढ़ी आए तो आप इसको थोड़ा सीधा कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी दिक्कत होती है इसके अंदर Windows 7 वाले में, जो इसका 7 वाला जो वर्जन है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन 2010 और 12 वाले में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको कभी ऐसी टेढ़ी लाइनें आए तो आप घबराइएगा मत, आप बैक स्पेस से थोड़ा सीधा कर लीजिएगा। देखिए ये कुछ ऐसा हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है फॉर्मेट में, और यहाँ से आपको शेप इफेक्ट में जाना है। यहाँ से आपको 3D रोटेशन में जाकर सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और फिर जाना है आपको 3D फॉर्मेट में, और यहाँ पर आपको इसकी जो विड्थ है उसको 36 कर देना है, और इसके नीचे वाले को भी 36 कर देना है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अच्छा सा, ताकि कुछ अच्छा लगना चाहिए। देखिए कुछ अब ये पूरा जीना टाइप का लग रहा है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शेप फिल करना है। आप चाहें तो कोई टेक्सचर ले सकते हैं अच्छा सा जो आपको लगता हो। तो चलिए हम ये टेक्सचर ले लेते हैं, ये जीना टाइप का हो गया है। अब आपको जाना है फिर से इंसर्ट में, और यहाँ से क्लिप आर्ट में जाना है, और यहाँ आपको सर्च कर देना है स्पोर्ट्स, और आपको यहाँ पर एक गेंद मिल जाएगी ये वाली, और इसको आपको यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है इस पर, और यहाँ ग्रुप वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर अनग्रुप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर आपको इसकी शेडो सिलेक्ट करनी है, और यहाँ से आपको Windows X से इसकी शेडो को कट कर देना है, और आप बॉल को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर आपको जाना है बॉल को सिलेक्ट करके एनिमेशन में, और आपको यहाँ पर
कस्टम एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आपको एड इफेक्ट में क्लिक करना है और चौथे वाले मोशन पाथ पे जाना है, यहाँ पर ड्रॉ कस्टम पाथ पे, फिर यहाँ पर आपको फ्रीडम लेना है, फिर आपको जो जहाँ जहाँ इसको ड्रॉ करना है, जहाँ जहाँ आपको बॉल को ले जाना है, और अगर इसकी लाइन भी आपको टेढ़ी आ रही है तो आप फिर इसको बैक स्पेस से सीधा कर सकते हैं। आपको बैक स्पेस दबाते रहना है। कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है लेकिन आपको बैक स्पेस से क्लियर कर लेना है और फिर आपको जहां जहां इस गेंद को ले जाना है आपको वहां वहां इसे सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ जहाँ आप चाहें ले जा सकते हैं इस बॉल को और वहीं वहीं आपको इस मोशन को बनाना है जहाँ पर आप बॉल को मोशन कराना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा और इसको आपको जो सिलेक्ट करना है इसे वेरी स्लो करना है। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर आपको करना है इसे विद प्रीवियस के साथ। अब ये हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपको अगर स्लाइड के ऊपर कुछ एनिमेशन लगाना है जैसे ऐसे तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं और हमारा लगभग बन गया है। आपको विंडो F5 प्रेस करना है देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।